हेलो बच्चों, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत। तो बच्चों, इससे पिछले क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो बेटा, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 7.6 है, चैप्टर का नाम डिफरेंशिएशन है, क्लास 12th मैथमेटिक्स है। तो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए फटाफट से, यहाँ पे हमें क्या करना है। तो भैया, यहाँ पे आपको बोला है कि फाइंड dy / dx इफ आपके पास y ये दे रखा है। तो भैया, ये जो क्वेश्चन है ये कैसे होगा, ये ध्यान से समझिएगा। देखो, यहाँ पे आप इसका डिफरेंशिएशन तो अच्छे से जानते हो, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि x की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, x की पावर x into 1 plus log x। पिछली वीडियो में बच्चों इसका प्रूफ भी मैंने अच्छे से आपको करवा दिया था। पर यहाँ पे दिक्कत कौन कर रहा है, x की पावर 1 by x, x की पावर 1 by x दिक्कत कर रहा है। तो भैया, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है उसका डेरिवेटिव हमने कैसे किया है, हमेशा लॉग लगा के डेरिवेटिव किया है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके। तो बेटा, फिलहाल यहाँ पे दोनों साइड लॉग मत लगा देना, क्योंकि लॉग अगर यहाँ लगा दोगे तो लॉग एम प्लस एन नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये ध्यान से सुन लो। बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके यहाँ पे एक लॉग एम प्लस एन की प्रॉपर्टी खुद से बना देते हैं कि लॉग एम प्लस लॉग एन, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फिर सर कैसे करें, बेटा आपको कैसे करना है वो ध्यान से सुनो। आपको आपको y is equal to let कर लेना है, y is equal to इसको u plus v let कर लेना है। तो भैया, अगर इनको कंपेयर करते हो, इसको इससे कंपेयर करते हो, तो u क्या है, x की पावर x है, v क्या है, x की पावर 1 by x है। आपको चाहिए क्या, dy by dx। तो जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलने वाला है, y का तो dy by dx, और बच्चों u का होगा du by dx प्लस में v का होगा dv by dx। कहने का मतलब ये है, यहां पे आपका dy by dx आ जाएगा अगर आपके पास हो du by dx और dv by dx। अब du by dx किससे निकालेंगे बच्चे, इससे निकालेंगे, और बेटा dv by dx किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। दोनों इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर, एकदम सही बात। अब बेटा आपको मैं बता दूं कि du by dx में मैं टाइम खराब नहीं करने वाला हूं, इसका प्रूफ मैंने बहुत बढ़िया से बता दिया है पिछली वीडियो में, और वैसे भी आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि इस एक्सरसाइज में ये बार बार आता है, x की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर x into 1 plus log x। तो मैं du by dx में टाइम नहीं खराब करने वाला हूं ज्यादा, क्योंकि मेरे को डेरिवेटिव डायरेक्ट पता है। इसमें मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो इधर तो du by dx x की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर x into में 1 plus log x। जी सर भाई, ये वैल्यू तो मैं आराम से लगा लूंगा, पर मेरे पास फिलहाल dv by dx तो नहीं है ना, तो बेटा dv by dx लेने की तैयारी है। अब dv by dx बेटा तरीके से आएगा, ये आपका v है, v is equal to x की पावर 1 by x है, इसका डिफरेंशिएशन तुम डायरेक्ट नहीं जानते हो तो कैसे करना पड़ेगा। अब बेटा इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करनी पड़ेगी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करोगे तो बच्चों log v is equal to log x की पावर 1 by x। अब भाई आगे का मामला मैं यहां पे सॉल्व करने वाला हूं, पूरा ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका log v, जी सर, इज इक्वल टू log m की पावर n, प्रॉपर्टी दिख रही है तो प्रॉपर्टी लगा दो, होती है n log n। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था बेटा कि log m की पावर n एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लिखते हैं n log n। जी सर। अब बेटा मैंने यहां पे log m की पावर n प्रॉपर्टी लगा ली, अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। भैया log fx का, ये fx मानो 1 by fx, डेरिवेटिव fx का मत भूलिएगा, मतलब log v का 1 by v, डेरिवेटिव v का मत भूलिएगा dv by dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है बोथ साइड डिफरेंशिएशन। भैया इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, तो फर्स्ट सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, जी सर, प्लस में log x सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 by x का डेरिवेटिव होता है -1 by x2, ये आपको अच्छे से याद भी होगा, ठीक है। 1 by x का डेरिवेटिव -1 by x2 क्यों होता है, देखिए 1 by x को आप x की पावर -1 लिख सकते हो, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर आ गया, पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव 1, तो -1 इंटू एक्स की पावर -2 बन गया, जिसको मैं -1 by x2 लिख सकता हूं। जी सर, बिल्कुल सही कहा। अब यहां से तुम्हारा dv by dx आ गया, समझो v को उधर भेजो, जी सर, ये आपका 1 by x2, ये आपका माइनस log x by x square, बिल्कुल राइट। अब dv by dx is equal to v की जगह क्या लिखोगे, v क्या है, v क्या है आपका, v x की पावर 1 by x है,
तो मैं x की पावर 1 बाई x लिख रहा हूं, इंटू में 1 बाई x स्क्वायर, x स्क्वायर एलसीएम ले लो भैया, x स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो ऊपर 1 माइनस में log x बच गया, 1 माइनस में log x बच गया। अब भाई आपका dv बाई dx भी आ गया है, du बाई dx बहुत पहले आ गया था, तो फ्रॉम फर्स्ट में आप ये दोनों वैल्यू पुट करके dy बाई dx निकालो, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, dv by dx की जगह dv by dx, du by dx की जगह du by dx, du by dx लिख दो, x की पावर x into में 1 plus log x, जी सर। अब बेटा प्लस में dv by dx की जगह dv by dx लिख दो, x की पावर 1 by x into में 1 minus में log x upon में x square। एक बार मैं आंसर मैच करता हूं बेटा, फिर आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, आंसर मैच करते हैं बेटा, बिल्कुल इसका यही आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट, तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखिए, तो ये सेम टाइप के क्वेश्चन है सारे, आपको कभी भी दोनों साइड एकदम से लॉग नहीं लगाना है, क्योंकि लॉग एन प्लस एन नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो कैसे करना है सर, सेम काम आपको ये लिख लेना है, वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी, बिल्कुल लिख देंगे। आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका किसके बराबर है, डी यू बाई डी एक्स प्लस में डी वी बाई डी एक्स के बराबर। अब आपको कैसे भी करके du by dx और dv by dx लाना है, यहां लगा देना है, आंसर आ जाएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा ये सब। तो भैया du by dx तो तब आए ना जब आपके पास u, तो बेटा इनको कंपेयर करो इन दोनों को, तो u क्या है आपका, x की पावर sin x। अब इससे मैं आराम से du by dx निकाल सकता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने इससे पहले सोल्व किए थे, सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में यही काम किया था। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आता है तो हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो यहां पे log u इज इक्वल टू, log u इज इक्वल टू log x की पावर sin x। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये आपका log u है इज इक्वल टू log m की पावर n है, जिसको आप n log m लिखोगे। अब मैं डिफ्रेंशिएट करने वाला हूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आपका log u का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई u, u का du बाई dx, जी सर बहुत बढ़िया से जानते हैं, log fx का 1 बाई fx, fx का फिर डेरिवेटिव करना जरूरी है। इसका करूंगा मैं फर्स्ट इनटू सेकंड सेम, तो फर्स्ट सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का सीधा याद है तुम्हें 1 बाई एक्स, अभी किया भी है, लॉग एफ एक्स का 1 बाई एफ एक्स, एक्स का अब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 होता है, प्लस में अब लॉग एक्स सेम, सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो साइन एक्स का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कोस एक्स। अब मैं डिफरेंशिएशन थोड़े डायरेक्ट लिखने लग गया हूं बेटा, बार बार डी बाई डी एक्स नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी मेरे को चीजें सोल्व करवानी। तो भैया साइन एक्स का कोस एक्स आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया है, तो du by dx तुम्हारे पास बहुत बढ़िया से आ गया, du by dx आ गया, u को उधर ले जाओ, u को जब आप इधर लेके आओगे तो इसके सारे के बाहर मल्टीप्लाई में रहेगा, और u की वैल्यू भी रख दो, u की वैल्यू क्या है, x की पावर sin x, पहले बेटा u को इधर ले जाना, फिर u की वैल्यू रखना जो x की पावर sin x है। अब अंदर का जो मामला है वो सारा अंदर रहने दो, sin x by x, ठीक है, और प्लस में log x into में cos x, ये आपको लिख देना, ठीक है, ये सारा अंदर लिखा हुआ है, अंदर ही रहेगा वैसे। तो भैया ये तुम्हारा du by dx आ गया सोल्व करके, अब अपने को dv by dx और चाहिए, तभी मैं फर्स्ट से dv by dx निकाल पाऊंगा। तो भैया dv by dx तो तब आए जब तुम्हारे पास v हो, v को कर लो कंपेयर, इससे कंपेयर करोगे तो v की वैल्यू है साइन इनवर्स रूट एक्स। अब इसके अंदर तुम्हें लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है बेटा, आप डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोल दो, तो वी का तो डीवी बाई डी एक्स, और ये आपका साइन इनवर्स एफ एक्स है, मैंने सिखाया था साइन इनवर्स एफ एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर, और भूलना मत एफ एक्स का डेरिवेटिव करना, क्योंकि जब जब तुम एफ एक्स का डेरिवेटिव भूलोगे तब तक क्वेश्चन को गलत करोगे, तब तक क्वेश्चन को गलत करोगे, ठीक है। तो आपको साइन इनवर्स एफ एक्स पढ़ के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव एफ एक्स का जरूर करना है। तो बेटा यहां पे dv by dx is equal to नीचे तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में x बन गया, ये तुम्हारा रूट एफ एक्स है, रूट एफ एक्स का तुम्हें याद है कि 1 बाई 2 रूट एफ एक्स होता है, रूट एफ एक्स का 1 बाई 2 रूट एफ एक्स होता है, याद है तुम्हें, एफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो भैया ये जो आया आपका फाइनल 1 अपॉन में, मैं रूट एक्स की इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 बाहर लिख लेता हूँ, तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों की तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये बात बहुत आसान है, बेस जब सॉरी पावर जब सेम होती है तो बेस की मल्टीप्लाई होती है, तो मैंने आगे लिख दिया, तो ये तुम्हारा आ गया dv by dx। अब बेटा यहाँ पे मैं आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट से
है ना, फ्रॉम फर्स्ट सेम आंसर लिखने की कोशिश करता हूं, मेरे को dy by dx मिल गया, du by dx जो आया उससे प्लस dv by dx जो आया उससे, तो du by dx लिख दो पहले, तो पहले तो du by dx लिख दो, x की पावर sin x into में sin x by x प्लस में log x cos x, और अब लिख दो प्लस में dv by dx, dv by dx भी लिख दो, dv by dx है 1 by 2 root x minus में x square। एक बार मैं आंसर मैच करता हूं बच्चों, आंसर मैच करता हूं, आंसर बिल्कुल मैच करवाऊंगा, एक एक आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है, एक एक आंसर हम मैच करेंगे। तो भैया आपका ये UQ लिखा है, इन्होंने ये ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रखा, इन्होंने इसको इतना लिख रखा है, आप इतना लिख सकते हो चाहो तो, इन्होंने ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रखा, ऐसे छोड़ रखा है जैसे था, टू रूट एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स, आप चाहो तो इसको इतना सोल्व कर सकते हो जितना मैंने किया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने ज्यादा ही सोल्व किया है बुक से बेटा, मैंने बुक से ज्यादा ही सोल्व किया, तो उन्होंने ये छोड़ रखा है भैया, ये सॉरी टू रूट एक्स क्या है, ये टू रूट एक्स, इन्होंने इतना ही छोड़ रखा है, डायरेक्ट डीवी बाई डी एक्स जो आया था वही छोड़ रखा है, तो हमने तो कुछ ज्यादा ही किया एक स्टेप आगे, तो आप सोल्व कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, और भाई बुक में अगर एग्जैक्ट बुक का आंसर देखना चाहते हो तो उन्होंने सीधी की सीधी ये चीज लिख रखी है, तो बेटा अब ये राइट आंसर होता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखिए भैया, थर्ड पार्ट सेम है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सीधा मत कर रहे ना, क्योंकि लॉग एम प्लस एन कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, बार बार बता रहा हूं, तो क्या करना है सर, तो बेटा इसको आपको मानना है y इज इक्वल टू यू प्लस वी, अब आपको dy by dx अगर चाहिए तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस में dv by dx मिलेगा। अब सर हम du by dx और dv by dx अच्छे से निकालना जानते हैं, वो देखो कैसे निकलेगा, तो भैया u से आपका du by dx निकलेगा, तो u क्या है कंपेयर करने पे, u क्या है कंपेयर करने पे, x की पावर sin x, अब जो फंक्शन की पावर फंक्शन हो एक ही तरीके से सोल्व किया हमेशा टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log u इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, log x की पावर sin x, अब इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं log u इज इक्वल टू आप log n की पावर n को क्या कहोगे, n log m कहोगे, अब डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग यू का तो आएगा 1 बाई यू, यू का फिर करना बहुत जरूरी है डी यू बाई डी एक्स, ये तुम्हारा फर्स्ट, ये तुम्हारा सेकंड, तो फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए, अब 1 बाई एक्स प्लस में सेकंड सेम लॉग एक्स सेम बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए कोस एक्स, अब भैया डी यू बाई डी एक्स तुम्हारा आ गया, डी यू बाई डी एक्स तुम्हारा आ गया, U उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो U की वैल्यू लिख लो, U की वैल्यू क्या है ये भी, U की वैल्यू लिख लो x की पावर sin x, x की पावर sin x इनटू में अब sin x by x बचा अंदर, sin x by x बचा प्लस में cos x इनटू में log x बचा, cos x इनटू में log x बचा, तो भैया एक चीज तो मैंने निकाल ली फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के लिए, दूसरी और निकालनी है dv by dx, तो भैया v क्या आएगा कंपेयर करने पे, sin x की पावर x, साइन x की पावर x, अब इसमें कोई लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, v का तो dv by dx होगा सीधी बात है, बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तब, और साइन fx का तुम्हें याद होगा cos fx होता है सर, पर सर हम कभी भी fx का डेरिवेटिव करना नहीं भूलते हैं, वो जरूर करते हैं, तो भैया dv by dx is equal to cos x की पावर x, और इस x की पावर x का हमें याद है बढ़िया से, आपने अभी अभी लिखा था x की पावर x इनटू में 1 प्लस log x, बेटा इसका तो तुम डायरेक्ट याद ही कर लो, x की पावर x का होता है x की पावर x इनटू 1 प्लस log x, तो भैया ये आपके पास dv by dx आ गया, ये आपके पास du by dx आ गया, ये तुम्हारा रहा फर्स्ट, फर्स्ट में दोनों पुट करो तो आपके पास dy by dx आ जाएगा, dy by dx क्या आ गया, du by dx की वैल्यू लिख दो, du by dx है x की पावर sin x इंटू में sin x by x प्लस में cos x log x, टर्म बेटा आगे पीछे हो सकते पर आंसर एकदम सही मिलेगा, प्लस में dv by dx, dv by dx is dv by dx लिख दो, cos x की पावर x इंटू में x की पावर x को चाहो तो इसको आगे आगे ला सकते हो इंटू में 1 प्लस में log x, मैं एक बार इसकी सारी टर्म्स चेक कर लेता हूं कि है भी या नहीं आंसर में, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो बेटा यहाँ पे आपका ये तीसरा है, तो भैया सॉरी तीसरा नहीं है भाई, अब तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, तो ये टर्म भी x की पावर sin x, ये भी है प्लस में इससे अगला भी है प्लस में x की पावर x भी है,
फिर आपका लिखा है 1 प्लस log x, मैंने बाद में लिख दिया, और लास्ट लास्ट में लिखा है cos x की पावर x, cos x की पावर x मैंने बीच में लिख दिया। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर है, एकदम बेटा सही आंसर आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, सेम काम है इसमें भी भैया, हम यहाँ पे y इज इक्वल टू इसको क्या मान लेंगे, u प्लस v, हर क्वेश्चन में सेम काम। अब मैं बार बार बेटा बात को रिपीट नहीं करूंगा, टाइम खराब होता है आपका, तो मैंने इसको y इज इक्वल टू यू प्लस वी कह दिया। अब आपको निकालना क्या है, dy by dx बता रखा है, जो क्या आएगा du by dx प्लस में dv by dx। तो भैया du by dx आएगा u से, तो u की वैल्यू ले लो वहां से कंपेयर करके, u की वैल्यू है साइन x की पावर x। सर ये तो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, बिल्कुल बेटा du by dx डायरेक्ट आ रहा है, कोई लॉग लगाने की जरूरत नहीं। तो बेटा यहाँ पे साइन एफ एक्स का कोस एफ एक्स, कोस एफ एक्स, एफ एक्स का करना मत भूलिएगा, एफ एक्स का आएगा एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस में लॉग एक्स। ये तुम्हें याद होना चाहिए शुरू से, मैं कहता रहा हूं बिना एफ एक्स बोले चीजें करोगे भैया गलत होगा, डिफरेंशिएशन पहले बता दे कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी चीज। साइन एफ एक्स का कोस एफ एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ एक्स आपका एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स का तुम्हें याद है एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस में लॉग एक्स। अब भाई अब हम चाहते हैं dv by dx निकालना, तो तुम्हारा v जो है, v क्या है sin x की पावर x है, v क्या है बेटा sin x की पावर x है। अब तुम इसका डेरिवेटिव बिना log लगाए नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स कर दो, तो log v इज इक्वल टू, log v इज इक्वल टू log sin x की पावर x, बिल्कुल राइट सर। अब बेटा इसको क्या लिखोगे, log v इज इक्वल टू, log v इज इक्वल टू log n की पावर n, क्या होता है n log m होता है, n log m होता है। अब यार डेरिवेटिव करता हूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का तो डायरेक्ट याद हो ही गया होगा 1 by v, v का dv by dx, शुरू से करते आ रहे काम। इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकंड, कर दो डिफरेंशिएट फर्स्ट इनटू सेकंड से, तो फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, log fx है सेकंड, log fx का 1 by fx, डेरिवेटिव fx का करना मत भूलिएगा, डेरिवेटिव एफ एक्स का जरूर करिएगा प्लस में। अब सेकंड सेम लॉग साइन एक्स सेम, बेटा फर्स्ट का डेरिवेटिव वन आएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव वन आएगा। मैं यहां पे काम करता हूं डीवी बाई डी एक्स इधर रखता हूं, वी को क्रॉस में ले जाता हूं मल्टीप्लाई में, तो बेटा वी उधर जाएगा, तो वी की वैल्यू रख ही देता हूं सीधी, वी की वैल्यू है साइन एक्स की पावर एक्स, मैं लिख ही देता हूं साइन एक्स की पावर एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में गया वी, और उधर क्या क्या रह गया, एक तो तुम्हारा एक्स रह गया ऊपर, नीचे साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स प्लस में लॉग ऑफ साइन एक्स, प्लस में लॉग ऑफ साइन एक्स। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर एक्स इंटू में कोस बाई साइन कोट होता है, तो ये वाला एक्स साथ इंटू में कोट एक्स प्लस में लॉग ऑफ साइन एक्स, प्लस में लॉग ऑफ साइन एक्स। तो भैया मेरे हिसाब से इतना ही आना चाहिए। अब आपका जो इक्वेशन फर्स्ट है उससे आप dy by dx निकाल लो, क्योंकि तुम्हारे पास du by dx की वैल्यू भी है, du by dx की वैल्यू भी है बेटा, और तुम्हारे पास dv by dx की वैल्यू भी, लिख दो भैया सीधा सीधा du by dx इधर लिखो, तो मैं ये x की पावर x into 1 plus log x को आगे लिख देता हूं, ठीक है, साथ में cos x की पावर x भी आएगा। जी सर, मैंने du by dx की वैल्यू लिख दी बेटा, अब dv by dx की वैल्यू भी लिख दो, dv by dx की वैल्यू sin x की पावर x, sin x सारे की पावर x इनटू में x cot x प्लस में log of sin x, प्लस में log of sin x। मैं आंसर मैच करता हूं बेटा, आंसर मैच करता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। ये है थर्ड का फोर्थ पार्ट, तो यहां पे भैया x की पावर x इनटू cos x की पावर x, cos x की पावर x इनटू 1 प्लस log x, बिल्कुल सही है ये बात, साइन एक्स की पावर एक्स भी है, साइन एक्स की पावर एक्स भी है, और एक्स कोट एक्स प्लस में लॉग साइन एक्स भी है, बिल्कुल राइट आंसर है। टर्म थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकते पर आंसर एकदम सही है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर सकते हो, क्योंकि बेटा अब फिलहाल लॉग की प्रॉपर्टी लग रही, इससे पहले जो क्वेश्चन थे उनमें नहीं लग रही थी, उनके बीच में प्लस था, अब फिलहाल डायरेक्ट लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है। कौन सी लग रही है भैया, मैं लिख देता हूं पहले, लॉग एम इंटू एन लग रहा है भैया, log m into n क्या होता है, log n प्लस में log n होता है, ये तुम्हें याद होगा अच्छे से। जी सर, तो यहाँ पे मैं taking log on both sides कर रहा हूँ, direct लग रही log की property, तो बेटा log लगा दो both side, log y is equal to log x की power sin x into में
साइन एक्स की पावर एक्स, बिल्कुल राइट सर, एकदम सही बात है। अब बेटा प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, क्योंकि अपने को dy by dx निकालना है फाइनली, तो थोड़ा सोल्व करके फिर निकले। u into v लग नहीं सकता क्योंकि आप इसका भी नहीं जानते डायरेक्ट, इसका भी नहीं जानते, तो u into v लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो टेकिंग log on से ही सोल्व होगा, पहले बता देता हूं। तो log y is equal to log something। अब बेटा यहां पे log की प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, देखना ये log y है, ये log m into n है, तो log m into n को क्या कहोगे, log m, log m प्लस में log n कहोगे बच्चों, क्या कहोगे, log m प्लस में log n कहोगे, बिल्कुल राइट सर, एकदम सही का। अब बेटा फिर से प्रॉपर्टी लग रही है, मैं जब तक log की प्रॉपर्टी लगेंगी लगाता रहूंगा, आपको ये ध्यान देना है log के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें प्रॉपर्टी लगती जाती है, तो लगाते जाओ जिससे आसान चीज हो जाएगी। log n की पावर n दिख रहा है तो मैं उसको n log m लिख रहा हूं, n log m लिख रहा हूं, प्लस में ऐसे यहां पे log m की पावर n दिख रहा है उसको मैं n log m लिख रहा हूं, बेटा n log m लिख रहा हूं। अब भैया यहां पे आपको और प्रॉपर्टी लगती हुई नजर नहीं आ रही, तो फिलहाल डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो log y का होगा 1 by y dy by dx, log fx का डेरिवेटिव 1 by fx, डेरिवेटिव fx का, y का होगा dy by dx। आगे बढ़ता हूं ध्यान से देखिएगा, ये तुम्हारा फर्स्ट, ये तुम्हारा सेकंड, इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दो, ये तुम्हारा फर्स्ट, ये सेकंड, इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगा दो, और इधर मैं डेरिवेटिव करना स्टार्ट करता हूं, तो पहले तो इसका डेरिवेटिव होगा फर्स्ट इंटू सेकंड से, फिर उसका होगा अलग से, तो इसका करते हैं पहले, तो फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव लॉग एक्स का वन बाई एक्स, जी सर, प्लस में अब सेकंड सेम लॉग एक्स सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स का, तुम्हें याद होगा डायरेक्ट कोस एक्स होता है, जी सर, प्लस में इसका मैं कर चुका हूं डेरिवेटिव, अब इसका करूंगा, तो भैया फर्स्ट सेम x सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन log fx है, log fx का 1 by fx, बच्चों fx का डेरिवेटिव करना मत भूलिएगा, वो जरूर लिखिएगा, बार-बार कह रहा हूं, प्लस में अब log log sin x सेम, log sin x सेम डेरिवेटिव जब तुम फर्स्ट का करोगे वो 1 आएगा, तो भैया हम आंसर की तरफ जा रहे हैं, समझो यहां पे आपका dy by dx, मैं y को उधर ले जा रहा हूं, और y को उधर ले जाके y की वैल्यू भी लिख रहा हूं ताकि टाइम खराब ना हो, x की पावर sin x इंटू में sin x की पावर x, और बच्चों जो अंदर है वो मामला अब सारा लिखने वाला हूं बारी बारी से, तो ये तुम्हारा sin x by x है भैया, जी सर बिल्कुल राइट बात, ये तुम्हारा क्या है log x प्लस में log x इंटू में cos x है, बिल्कुल राइट बात सर। अब बेटा इसको सोल्व करता हूं, प्लस में x इंटू में sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x by sin x cot x बन जाएगा, sin का डेरिवेटिव cos x by sin x cot बन जाएगा, बिल्कुल राइट सर, एकदम सही बात, प्लस में लास्ट में लिखा है log sin x, प्लस में लास्ट में लिखा है log of sin x, बिल्कुल सही बात सर। अब बेटा ये तुम्हारा आंसर है, आंसर मैच कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर है, बस टर्म थोड़ी देख रहे ना, कोई टर्म आगे पीछे ना हो जाए, बस इतना है, तो sin x by x है, x cot x है वो रहा, फिर आपके पास log sin x है लास्ट में रहा, फिर आपके पास cos x log x है जो सेकंड पे रहा, आगे जो लिखा है वो तो सेम है ही, तो बेटा आंसर आपका मैच कर गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो थर्ड का लास्ट पार्ट देखिए भैया, इसमें आपको बोथ साइड लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट भी हो रहा है, इसको आप फर्स्ट इनटू सेकंड से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट हो रहा है भैया, इसका भी तुम्हें आता है, इसका भी आता है, तो इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का तो आएगा डीवाई बाई डी एक्स, जी सर। अब तुम्हारा फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन में लिख रहा हूं, ये साइन इनवर्स fx है, sin inverse fx का 1 upon under root 1 minus fx का square, derivative fx का मैं जरूर करूंगा, शुरू से कहता आ रहा हूं, प्लस में अब तुम्हारा भाई सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन भी तुम्हें डायरेक्ट आता है, x की पावर x into 1 plus log x आता है, x की पावर x का डिफरेंशिएशन मैं बार-बार लिख रहा हूं बेटा, याद भी आपको हो गया होगा, तो यहां पे मैं सोल्व कर रहा हूं और थोड़ा सा आंसर लाने के लिए, dy by dx ये तुम्हारा x की पावर x है, ये तुम्हारा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में ये x है बेटा, ये रूट fx का 1 by 2 रूट fx आता है, fx का डेरिवेटिव 1 आएगा क्योंकि fx x का काम कर रहा है जिसका डेरिवेटिव 1 आएगा, आगे जो मामला लिखा है वो sin इनवर्स रूट x लिखा है इंटू में x की पावर x इंटू में 1 प्लस में log x लिखा है, तो बच्चों आंसर की तरफ जा रहे हैं हम,
तो dy by dx is equal to, ये तुम्हारा भैया x की पावर x है, नीचे ये 2 आगे लिख दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, रूट वन माइनस एक्स इंटू रूट एक्स की मल्टीप्लाई आएगी रूट एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर। जब पावर सेम होती है तो बेस के अंदर अंदर मल्टीप्लाई होती है, तो एक्स की वन से एक्स माइनस एक्स की एक्स से एक्स स्क्वायर, प्लस में आपका ये जो मामला है चाहो तो उसको आगे लिख दो, एक्स की पावर एक्स को इंटू में आपका साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू में वन प्लस में लॉग एक्स, बस इतना हो सकता है, ये टर्म्स थोड़ी मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो सकती है, आंसर आपका एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। तो बेटा इसका जो लास्ट पार्ट उसका आंसर, भैया ये टर्म एज इट इज दे रखी है, ये x के पावर x इंटू में वन प्लस लॉग x इसके साथ लिखा है, इंटू में साइन इनवर्स रूट x बाद में लिखा है, मतलब कि मैंने कहा है कि टर्म मल्टीप्लाई में थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, आंसर बिल्कुल आपका एग्जैक्ट सही है। तो बेटा ये इसका लास्ट पार्ट था।